अच्छा मैं ठीक किया गुजरात के अंदर, क्योंकि हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं। दिलीप पांडे जी, मैं आपसे गुजरात के बारे में, आपने एक बुलबुला क्रिएट किया है, मैं गया हूँ गुजरात के अंदर। नहीं, मैं आपसे गुजरात के बारे में पूछना चाहता हूँ। एक से बस गया हूँ बड़ौदा। कोई भी व्यक्ति जब ये सुनता है, कोई भी व्यक्ति गुजरात, तीस सेकंड बोलिए, गुजरात के डेवलपमेंट की बात करते, मैं बताता हूँ। मैंने गुजरात के गाँव का दौरा किया, राकेश जी आपको मैं लेके चलूंगा बड़ौदा के आसपास के गाँव में। मुख्य शहर से निकलिए, सत्यानाश है सड़कों का, और स्कूलों के अंदर टीचर बच्चे छोड़िए दरवाजे तक नहीं है, कुत्ते घूमते हैं वहां पे। मैं आपको लेके चल सकता हूं कलेश्वर के अंदर गांव में, जहां पे सरकारी स्कूल बंद पड़े हुए हैं। आपके जीतू वघानी जी कह रहे हैं कि 6300 स्कूल ऐसे हैं जो सत्यानाश कर दिए, बंद कर दिए हम लोगों ने। तो ये बुलबुला धीरे धीरे फूट रहा है, और इसकी बौखलाहट कितना धीरे, कितना धीरे, ये 27 साल से है वहां पर, कोई तो वजह होगी। 27 साल से एक राज्य में जमे रहना, कोई तो वजह होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, इन्होंने झूठ बेचा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे विपक्ष के नाम पे कांग्रेस हमेशा से शून्य रही है, कांग्रेस जीरो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पे आम आदमी पार्टी के रूप में वहां की जनता को एक मजबूत विकल्प मिला है, जो विकल्प उनकी समस्याओं के समाधान की भाषा में बात करता है, न कि सिर्फ समस्याओं के ऊपर रोना रोता है। समाधान क्या है, वहां के लोगों के पास स्कूल नहीं है, अस्पताल अच्छा नहीं है, रोजगार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जहरीली शराब बिक रही है, ड्रग्स बिक रहा है। समाधान क्या है, अरविंद केजरीवाल जिसने स्कूल ठीक, एक समाधान आप कह रहे हैं, वो भी पूरे देश का समाधान, वो है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, फिर बहुत सारे विषय होगा राकेश जी, मैं आपको समय दूंगा, पूरा जवाब दे दीजिएगा। देखिए, ये जो आज कंट्रोवर्सी उठी है, ये चार्टर्ड प्लेन वाली, ये कोई ऐसा नहीं है कि देश में नेता चार्टर्ड प्लेन से नहीं उड़ते, बहुत सारे नेता चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल करते हैं, बहुत मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब कर रहे हैं तो सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को बिल्कुल सामान्य व्यक्ति बताते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति शुरू की थी, जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मजबूरियों में उनको लेना पड़ गया। उसके बाद फिर वो चलते थे कमर्शियल फ्लाइट से, अब कमर्शियल फ्लाइट से फिर बिजनेस फ्लाइट पे आए, बिजनेस क्लास से उसके बाद अब चार्टर्ड फ्लाइट पर आ गए हैं, तो लोग पूछ रहे हैं भाई इसका पैसा कहां से आ रहा है। सौरभ भाई, उनके यात्रा की आवश्यकताओं को वो समझे, पर मैं ये समझना चाहता हूं, और आप ईमानदारी से सोच के बताइएगा कि अगर देश की, दिल्ली की, पंजाब की, गुजरात की जनता को इससे अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो वो इसको रिफ्लेक्ट करेगी अपने वोटिंग पैटर्न के अंदर। मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पहली कतार से लेकर के आखिरी तक कतार तक के नेता जो चार्टर हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स और प्लेन्स पे चलते हैं, उनका पैसा कौन देता? मैंने तो पहले कहा कि आपकी नजर में तो ये सारे बेईमान है। अभी आज ही तो अरविंद केजरीवाल ने बोला, हमने सुनवाया भी कि उनसे पहले हर कोई बेईमान था। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाजपा वाले बोलेंगे अच्छा लगेगा, आप मत कहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल ने कहा, और अरविंद केजरीवाल की बात हमने सुनाई। आपने सुना नहीं सौरभ भाई, उन्होंने कहा कि जो भी आपको दी जाने वाली जन सुविधाओं के खिलाफ होता है, जो भी फ्रीबी के खिलाफ होता है, उसकी नियत में खोट है, वो बेईमान है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। और ऐसे तमाम भी आपने मुझे लगता है अपने नेता की बात पूरी नहीं सुनी। आपके नेता ने यह कहा था, अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी, जितनी सरकारें, जितने नेता ज्यादातर लूटते थे, सरकारों को लूटते थे, अपना पैसा स्विस बैंक में ले जाते थे, उनके शब्द पूरा सुना। हाँ, मैंने पूरा सुना सौरभ भाई, कॉन्टेक्स्ट क्या था बताइए, संदर्भ क्या था आप बताइए। मैं तो आपको वर्बेटिम, मैं तो वर्बेटिम बता रहा हूं आपको, वो ये कह रहे हैं कि अब तक की जितनी भी सरकारें थी सब बेईमान थी। सौरभ भाई आप ऐसा मत करिए, संदर्भ समझिए, संदर्भ क्या था, प्रश्न क्या पूछा गया था उनसे। अरे भाई अजीब बात, प्रश्न क्या था, प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये बात कही। सर, प्रश्न के जवाब में बात कही, खैर ये विषय नहीं है, विषय ये था कि आपने इनके ऊपर चिपकाई बात, ये लोग चार्टर्ड से क्यों उड़ते हैं। मैंने ये कहा कि भाई इनकी बात आप इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि आप लोग तो इनको भ्रष्ट मानते हैं, तो इनके पास तो भ्रष्टाचार का पैसा है, बकौल आम आदमी पार्टी, तो ये तो भ्रष्टाचार के पैसे से चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड प्लेन से कैसे उड़ रहे हैं? हमने ये कहा कि चार्टर्ड में उड़ रहे इसलिए भ्रष्ट है, ये कहा हमने। अब आप बात को घुमा रहे हैं, आप बात को नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, नहीं आपसे समझ रहा हूं, आप चिपक अभी रहे आपने खुद बोला, समझ रहा हूं अभी आपने खुद आप बोला ना, इनके 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 पहली पंक्ति से लेकर के दसवीं पंक्ति के सारे नेता हेलीकॉप्टर चार्टर्ड में घूमते हैं। सौरभ भाई बेहतर होता कि ये डिबेट मेरे और राकेश जी के अंदर होती, लेकिन मेरे और आपके बीच में हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा क्या कि चार्टर प्लेन में चल रहे हैं सभी नेता भ्रष्ट है, नहीं कहा ना। मेरा प्रश्न आपसे है, पीपी के खिलाफ भाई, मेरा प्रश्न आपसे है इस बात का, बिल्कुल कंटेक्स्ट क्या था, फ्रीबी के खिलाफ जो नेता है उनकी नियत में खोट है, वो गलत है। दिलीप जी देखिए, मैं भी नहीं चाहता कि आपका और उनके बीच का समय मेरे और आपके बीच में जाए, मेरा सवाल ये था, इस पर आप सीधा सा उत्तर दे सकते हैं। सवाल ये था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी की राजनीति करते हैं, वो चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ रहे हैं, तो सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये सब कैसे। सौरभ भाई आपने सुना नहीं, फिर हाँ आप खाली सवाल पूछने के लिए पूछा, मैंने एकदम क्लियर जवाब दिया। मैंने कहा अरविंद जी की
यात्रागत आवश्यकताओं को वो समझे। लेकिन अगर ये प्रश्न है तो मेरा प्रश्न भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं और छोटे नेता हैं सब चॉपर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ठीक है, उनका पैसा कहां से आता है? क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे? राकेश जी भी बगल में बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे क्या भाई? हमसे क्या, हम तो अरे भाई हमारी पूछने की नौबत तब आए जब आप लोगों ने पूछने में कभी कोई कसर छोड़ी हो। ये इनके विमान के ऊपर नाम क्या लिखा है वो तक बताया गया है। घूमते हैं उनका पैसा भारतीय जनता पार्टी किससे लेती है बताएं मुझे, मैं भी समझना चाहता हूं। और चार्टर प्लेन में बैठने से भ्रष्ट नहीं हुआ कोई? जो मैंने नहीं कहा कि भ्रष्ट हो गए, जिन्होंने अस्पताल अच्छे नहीं बनाए, जिन्होंने 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़े जाने पे कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की हर साल शराब जहरीली बेचने दी, जहरीली शराब से लोगों को मने दिया, फिर भी नहीं कुछ किया। चलिए जनता उनसे नाराज है। और कमर्शियल फ्लाइट और ये चार्टर्ड फ्लाइट की बात अरविंद केजरीवाल जी जाने। चले राकेश जी बहुत देर से सुन रहे थे मेरी और आपकी बात। देखिए मैं तो आश्चर्य में हूं कि अन्ना का नाम लेना भी आम आदमी पार्टी के लिए एक गुनाह हो गया है। उन्होंने सभी प्रश्नों का उनको राइट बनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की झूठ सच आलोचना करने का, चुनाव के दौर में ये सब चलता है। लेकिन हम टीवी डिबेट पर हैं, करोड़ों लोग आपके इस शो को देखते हैं सौरभ जी, उसमें हम कोई ऐसी बात कहें जिससे बुद्धिमान जनता को लगे कि हम क्यों टीवी पर बुलाए जाते हैं। अन्ना का नाम मैंने लिया था, अन्ना क्या राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्या अन्ना आरएसएस बीजेपी के एजेंट हैं? अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की चर्चा की, उन्हें आप उसका जवाब तो नहीं दे पाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि अन्ना का नाम लेना आम आदमी पार्टी में अनुशासनहीनता का प्रतीक हो जाता है और पार्टी से निकलने का खतरा बन जाता है, इसलिए आप नहीं करेंगे, आप चाहेंगे भी तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो बातें कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने कहा चार्टर प्लेन से चलना कोई भ्रष्टाचार का लक्षण नहीं है। आम आदमी पार्टी घोषणा करे कि पिछले 2 साल में उसको कहां से किस प्रकार से पैसा चंदा के रूप में आया है। और संसदीय जनतंत्र में जो सरकार का मुखिया होता है उसका बड़ा महत्व होता है। आप अराजकतावादी बनकर संसदीय जनतंत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रह सकते हैं, यह संसदीय जनतंत्र पर हमला है। अभी दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी ने लगभग 250 फाइल्स लौटाए हैं। क्यों लौटाए हैं? देश की जनता को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सब तरह के काम किए लेकिन दस्तखत नहीं किए। क्यों डरते हैं दस्तखत करने से? आप जो फैसले लिए या फैसले लागू कर रहे हैं उसमें वित्त इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है और आप दस्तखत नहीं कर रहे हैं। यानी चोरी करो, चोरी की सजा से बचते रहो, अफसर्स को के बलि का बकरा बनाते रहो। पूरी दुनिया के संसदीय जनतंत्र के इतिहास में, पूरी दुनिया में, भारत नहीं, किसी राज्य का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो फैसला लेता है उसके आदेश से फैसले लेते हैं, विधानसभा के में पारित होने के बाद उस फैसले लेते हैं, लेकिन स्वयं दस्तखत नहीं करता है। अब जनता समझ जाएगी कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लेते हैं, क्यों डरते हैं। और अभी मनीष सिसोदिया का जो प्रकरण हुआ तो मैंने बड़े लाइटर जोन में कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो एक चल रही थी भ्रष्टाचार का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा और वो सत्य आरोप था, उस आरोप से बच नहीं सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, फिर मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु कहना पड़ा। तो भ्रष्टाचार का यदि इस देश में कोई गुरु है तो अरविंद केजरीवाल है। चलिए ठीक, विश्वसनीयता पर चाकू चलाने वाला कोई तो अरविंद केजरीवाल है। आपने जन आंदोलन किया पूरे देश के लिए, जन आंदोलन किया एक संसदीय जनतंत्र के लिए, जन आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए, और भ्रष्टाचार का जो नायक था उसको ही आपने सीधे सामने से चाकू मारा, अन्ना हजारे। अच्छा ठीक है, आपके बस, पास सर समय राकेश जी बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ क्योंकि बात आपने उठाई है, सौरभ जी एक छोटी बात कह दो, एक पूरी बात कर लो। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो बोले मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, जनता बड़ा प्रभावित हुई। बाद में कहे बाद आज 67 कांस्टेबल को उनको सुरक्षा दे रहे, 67 और पंजाब उनको कहता जेल प्लस देंगे, लें। लेकिन पहले जो आप घोषणा करते हैं जनता के सामने, लुभावनी घोषणा करते हैं, एंटी पॉलिटिक्स करके पॉलिटिक्स में अपने ठीक है, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।